BH News, सबसे अलग। नमस्कार, आप देख रहे हैं VH News और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार झा। लोकसभा चुनाव में बयानबाजी का स्तर इस कदर गिर चुका है कि कोई भी नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने से गुरेज नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान का नाम जुड़ चुका है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने जया प्रदा को अनारकली कहकर संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। यूपी की राजनीति में अली और बली की सियासी खलबली के बाद लोग अब अनारकली भी आ गई। इसे ही सियासतदान की फितरत कहते हैं। मौका चुनावी हो तो जुबान बेलगाम होते देर नहीं लगती। बीजेपी नेता जया प्रदा पर एसपी नेता आजम खान तो हमले करते ही रहे हैं, लेकिन इस रेस में अब उनके साहबजादे भी शामिल हो गए। आपको सुनाते हैं रामपुर में अपने पिता के समर्थन में रैली करते हुए अब्दुल्ला खान ने क्या कह दिया। मैं कहना चाहता हूं आपसे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। उधर जया प्रदा ने अब्दुल्ला खान के इस बयान पर तीखी टिप्पणी की है। जया प्रदा ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है, लेकिन उनकी भाषा पर कोई अचरज नहीं, क्योंकि जैसा पिता बोलते हैं वैसा ही तो उनका बेटा भी बोल सकता है। आज अब्दुल्ला मुझे अगर अली भी चाहिए, बली बजरंग बली चाहिए, अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए और अनारकली नहीं चाहिए, तो आप किस नजर से मुझे देख रहे हो? मतलब आपका पिता, आपका बाप, आप आजम खान ये कहता है कि मैं अमरपाली हूँ और आप कहते हो कि मैं अनारकली हूँ, तो इस सोसाइटी में आप महिलाओं को उसी नजर से देखते हैं? मतलब इसके हटके आपका नजर कहीं नहीं जाएगा कि हम लोग को, मतलब अमरपाली बोलेंगे तो हम नगरवधु हो गए? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जितने भी इस तरीके के बयान आए हैं जो आचार संहिता के उल्लंघन के मामले हैं, उस पर हमने तत्काल कार्रवाई की है, तुरंत कार्रवाई की है। अभी कल का दिया गया बयान भी हमारे संज्ञान में आया है, उसकी वीडियो भी हमारे पास आ चुकी है, उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो रहा है और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होते ही तुरंत हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। हमारे ARO मुस्तैद हैं और इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि बिगड़े बोल के चलते आजम खान पर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन राहत मिलने के बाद भी जया प्रदा पर विवादित बयानों पर लगाम नहीं है। इसके पहले आजम खान जया प्रदा पर कई बार निशाना साध चुके हैं और उन्हें नाचने गाने वाली भी बोल चुके हैं, जिसके बाद जया प्रदा ने भी आजम खान पर तीखा हमला बोला था। लोकतंत्र में विरोध की राजनीति अलग महत्व रखती है, लेकिन अपमानित करने वाले आपत्तिजनक बोल के लिए कोई जगह नहीं होती।